हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशू में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रसिया पाकिस्तान को कुछ वेपन्स बेच रहा है और ये रीजन क्या है, क्योंकि पिछले साल में क्या हुआ था कि रसिया के द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया था कि पाकिस्तान को कोई भी वेपन्स नहीं बेचा जाएगा। इसके पीछे क्या भारत और रसिया के बिगड़ते रिश्ते हैं, या फिर भारत और यूएसए का बनता हुआ सही संबंध है, या फिर चाइना द्वारा भारत के प्रति हेय की दृष्टि से देखा जाना, काफी सारी चीजें हैं, सब पर हम लोग विस्तृत तौर पर बात करेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रसिया का और भारत का जो रिलेशन है बहुत पुराना है। 1962 के युद्ध के बाद से ही सही तरीके से भारत और रसिया का रिलेशनशिप बन गया था। उसमें तल्खी क्यों आ रही है? रीजन कई सारे हैं। भारत वेपन्स के मामले में आत्मनिर्भर होने वाला है, कई सारे वेपन्स पर आर्म्स एम्बर लगा दिया है। जो नए स्टूडेंट्स होंगे उन्हें जानना पड़ेगा आर्म्स एम्बर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सही तरीके से समझते हैं, काफी सारे पॉइंट्स इससे निकल के आए हैं, सब पर हम लोग विस्तृत तौर पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। रसिया बेचेगा पाकिस्तान को हथियार, क्यों? देखिए, सबसे पहले हम लोग एक साल पीछे चलते हैं, सितंबर 2020 में बात करते हैं हम लोग। उस समय रसिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब वो पाकिस्तान को कोई भी वेपन सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन अप्रैल 2021 में रसिया की तरफ से या पूरे वर्ल्ड के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें हेडलाइन दी गई कि रसिया अब पाकिस्तान को मिलिट्री गियर की सप्लाई करेगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए रसिया के प्रति सारे द्वार वेपन्स के लिए खुल रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। देखिए, इसका मेन रीजन हम लोग ये देखेंगे। देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है आप सबको पता है, हमेशा एक दूसरे में तल्खी बनी रहती है, तो इसके कई सारे रीजन है। रसिया द्वारा पाकिस्तान को वेपन्स बेचे जाने में सबसे बड़ा अगर योगदान माने तो इंडिया का भी है। रीजन क्या है, आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिया था, उस वीडियो हम लोगों ने बात किया था क्वेड के बारे में। क्वेड के राष्ट्राध्यक्षों ने मीटिंग की थी। क्वेड क्या है, एक संगठन है जिसमें कुल चार कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इन चार कंट्रियों ने मिलकर एक सम्मेलन किया और जिसकी अध्यक्षता किसने की, जो बाइडेन ने, जो प्रेजेंट टाइम में यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो क्वेड की बैठक हुई इससे क्या प्रभाव पड़ा रसिया पर, इसमें देखिए यूएसए जुड़ा हुआ है। यूएसए और रसिया का जो रिलेशनशिप है वो सही तरीके से कभी नहीं चला है, ठीक। तो इसमें चाइना ने पूरी तरह से क्या करी, भूमिका अपनी निभा दी। चाइना ने बोला कि ये जो क्वेड का सम्मेलन किया गया यह इंडो पैसिफिक नाटो की तरह बनाया गया। अब काफी सारे नए स्टूडेंट्स होंगे नाटो नहीं समझ रहे होंगे। देखिए, नाटो क्या होता है, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हमारा उत्तर अटलांटिक ओशियन है उसकी जो नेबर कंट्रियां हैं उनके साथ मिलकर यूएसए ने एक संगठन बनाया नाटो के नाम से, और उसकी क्या करता है, प्रमुखता करता है यूएसए, उन सबको अपने साथ लेकर चलता है। तो चाइना ने यह कमेंट किया कि यूएसए यहां भी अध्यक्षता कर रहा है क्वेड में भी, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान मिलकर क्या करने वाले हैं, इंडो पैसिफिक नाटो का निर्माण करने वाले हैं। तो इससे रसिया काफी ज्यादा खफा हो गया, क्योंकि इसमें रसिया भी शामिल नहीं है, चाइना भी शामिल नहीं है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो भारत चीन के खराब संबंध, इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है आप सबको पता है सही तरीके से नहीं चल रहा है। इस वजह से पाकिस्तान दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो वही रिलेशनशिप इस समय निभाया जा रहा है। रसिया द्वारा क्या किया जाता है कि भारत को हुल दी जाती थी। हुल का मतलब डराया जाता था कि अगर आप हमसे वेपन्स नहीं लोगे तो मैं जो वेपन्स आपको दे रहा हूं वही पाकिस्तान को भी सप्लाई करूंगा। इससे इंडिया क्या करता था, ऑर्डर दे देता था कि हाँ हमें इतने वेपन्स की जरूरत है, आप यहां पर भेज दीजिए। मजबूरी में उसे परचेस करना पड़ता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो वेपन्स इंडिया द्वारा लिया जा रहा है वो या तो यूएसए से या फिर फ्रांस से, ठीक, वहां से लिया जा रहा है। अगर बात करें सिप्री एक संगठन है, सिप्री द्वारा भारत के लिए बताया गया कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वेपन्स का इंपोर्टर कंट्री कौन है, इंडिया है। पहले पर कौन है, सऊदी अरब है, दूसरे पर कौन है, इंडिया है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है
कि हम वेपन्स की इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, अगर हम लोग इसका एक्सपोर्ट करें तो इससे हमारे इकोनॉमिक दृष्टि से भी प्रॉफिट होगा। ठीक, खैर वो बात की बात है, इसको मैंने स्पेशली एक वीडियो शूट किया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, सही तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मेन रीजन जो है रशिया द्वारा पाकिस्तान को वेपन्स बेचने का, जो मेन रीजन है वो ये पॉइंट है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, इंडिया द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की शपथ। ये कैसे हम लोग मानेंगे कि इंडिया जो वेपन्स है इसके क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने वाला है, उसके लिए उसने क्या किया, 35,000 करोड़ रुपए का वेपन्स खुद बना रहा है, बोला कि अब मैं इसके परचेज इसे नहीं करूंगा किसी अदर कंट्री से, अब हम खुद इसका निर्माण करेंगे। तो वो कुल कितने वेपन्स हैं, 101 वेपन्स या फिर मिसाइल गन या फिर गन ऐसी हैं जो इंडिया खुद इनका क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और सॉरी रशिया के द्वारा जो लिए जाते थे उन पर रोक लग गई है। और जो देखिए क्या होता है, ये जो 101 हथियार है अगर हम किसी कंट्री से नहीं खरीदेंगे तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने इस पर क्या लगा दिया है, आर्म्स एम्बर। क्या आर्म्स एम्बर, आर्म्स एम्बर जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं समझते होंगे, मैं आप लोगों को बता दूं जो नए हूं, आर्म्स एम्बर एक ऐसा एक्ट है जो जिस कंट्री पर लगाया जाएगा, जो कंट्री से खुद पर लगाएगी वो अदर कंट्री से कोई भी वेपन्स ना तो लेगी ना ही उसे बेचेगी। ठीक है, तो ये हुआ क्या, इंडिया द्वारा कितने वेपन्स पर आर्म्स एम्बर लगाया गया है खुद से, तो 101 है। कितने हजार करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चर अर्थात प्रोडक्शन करने वाला है इंडिया वेपन्स की, तो 35,000 करोड़ का वेपन्स इंडिया खुद प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, तो ये मेन रीजन है जो रशिया पाकिस्तान को वेपन्स की सप्लाई कर रहा है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग आगे बात करेंगे, देखिए यहीं पर आ गया भारत अमेरिका के सही संबंध, इंडिया और यूएसए का जो रिलेशनशिप है वो सही तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, हर क्षेत्र में जुड़ता जा रहा है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे जिस क्षेत्र में आप लोग देखेंगे, इंडिया और यूएसए काफी करीब आते जा रहे हैं और ये रसिया को रास नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग बात करें कि रसिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है इतना बढ़िया क्यों है, तो यही रीजन है जो इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप इतना बढ़िया बनता जा रहा है, सॉरी, जो इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप इतना अच्छा तरीके से सुधरता जा रहा है, यही रीजन है कि चाइना और रसिया का रिलेशनशिप सही तरीके से एक हो रहा है, और वो उसमें पाकिस्तान भी अपना थर्ड रोल निभा रहा है, पाकिस्तान वहां से वेपन्स को अब परचेज करने वाला है और रशिया उसे सप्लाई करेगा। तो मैंने अभी बोला ना, दुश्मन का दोस्त होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि रशिया इतना खफा क्यों हो रहा है इंडिया से, इंडिया ने क्या किया कि इसकी जो रक्षा नीति है इसमें बदलाव कर दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा वेपन्स का खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, बाहरी देशों से हम लोग लाना बंद करेंगे, हम खुद एक एक्सपोर्टर कंट्री बनेंगे, इंपोर्टर नहीं रहेंगे, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा जो विश्व में दूसरे नंबर पर वेपन्स का निर्यात करने वाले हम लोग कंट्री हैं, अब हम लोग आयात करने वाली कंट्री है, अब हम निर्यात करेंगे, अब हम वेपन्स का एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज के लिए। ठीक, ये इंडिया ने ठाना है, यही रीजन है कि रशिया बहुत ज्यादा खफा चल रहा है। रूस, बात करें कि रूस करता क्यों है, वो सिर्फ दो चीजों का बिजनेस करता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, एक तो तेल, प्राकृतिक गैस और वेपन्स का। तो यही इसके पास दो मुद्दे हैं जिसके माध्यम से इसकी इकोनॉमी सही तरीके से चलती है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है वेपन्स के क्षेत्र में, पेट्रोलियम यहां से आ नहीं सकता, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वेपन्स इंडिया लाता था वहां से, लेकिन अगर इंडिया वेपन्स लेना बंद कर देगा तो आप सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है वेपन्स के क्षेत्र में, चाहे जिस भी इंडस्ट्री में किसी में भी आप लोग देख लेंगे तो इंडिया एक तरह से मार्केट के रूप में आता है और बहुत सारी चीजें परचेज करता है। तो अगर हथियारों की सप्लाई रशिया इंडिया में नहीं कर पाएगा तो उसे बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, तो अपना नया मार्केट ढूंढ रहा है, उससे एक ऐसे कंट्री की जरूरत है जो खुद प्रोडक्शन ना कर दूसरे कंट्री पर आश्रित हो, अर्थात रशिया पर आश्रित हो। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे हम लोग नल्ला भी बोल सकते हैं कि वो खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, वो क्या कर रहा है, रशिया से चीजों की आयात करेगा, खुद कर्ज में डूबा है लेकिन अपना जो रूप है वो दिखा रहा है, कर्ज में डूबा है लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजें वेपन्स पर वो भी खर्च करना चाहता है। अगर विश्व की टॉप सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाली कंट्रियों का नाम लेंगे तो उसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हो गई कि रशिया के पास दो ही चीजें हैं,
ट्रेड करने के लिए एक तो नेचुरल गैस हो गई और सेकंड हो गया वेपन्स या फिर पेट्रोलियम। वेपन्स का अगर इंपोर्ट इंडिया नहीं करेगा वहां से तो उसके बहुत ज्यादा उसे लॉस होने वाला है। ठीक, अब हमें ध्यान कहां देना चाहिए? ठीक है, देखिए भारत के रक्षा नीति में बदलाव के कारण रूस पाकिस्तान को हथियार बेचने की बात करता है। मतलब अभी मैंने बताया ना कि इंडिया को हुल देता है, इंडिया को डराता है रशिया कि अगर आप अपने रक्षा नीति में बदलाव करेंगे, हमसे वेपन्स कम मात्रा में लेंगे, तो जो वेपन्स मैं आपको दिया हूं वही वेपन्स मैं पाकिस्तान को दे दूंगा। तो इस बात से हमें बेफिक्र रहना चाहिए, हमें खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए और सारी चीजों का प्रोडक्शन खुद करने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ कोई भी चीज होगी, जैसे जो चीज का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं अगले को पता नहीं होगा, अगर हम किसी पर आश्रित रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो वेपन्स उस कंट्री को हमारे दुश्मन को वो दे देगा, जिससे हमें बहुत भारी मात्रा में क्षति पहुंच सकती है। तो हमें करना क्या चाहिए कि रशिया जो हमें हुल देता है, जो डराता है, हमें डरना नहीं है, खुद से वेपन्स का प्रोडक्शन करना है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मैंने अभी बात की थी सिप्री के बारे में। सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, यह क्या करती है कि विश्व लेवल पर जितनी कंट्रीज हैं उनमें किसके पास कितने वेपन्स हैं सबकी काउंटिंग करता है, कितना किसे कौन सप्लाई कर रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, यह सारा कार्य सिप्री करता है। तो सिप्री ने अभी 2020 की रिपोर्ट दी थी, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर वेपन्स का आयात करने वाली कोई कंट्री है तो वो थी सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरब। और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी थी, तो वो हमारी इंडिया थी। कौन सी? इंडिया थी। विश्व की सबसे ज्यादा वेपन्स का आयात करने वाली कंट्री सऊदी अरेबिया, और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो हमारी इंडिया है। तो ये बात किसने कही? सिप्री ने कही है। तो ये बात हमको मानना पड़ेगा और ये हमारे लिए अगर एक तरह से देखें तो ये शर्म की बात है कि हमारी इंडिया पूरी तरह से अदर कंट्रीज पर वेपन्स के मामले पर डिपेंड है। हमें खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए और वेपन्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियो शूट किया था कि इंडिया के रक्षा क्षेत्र में 33% की कमी कर दी गई थी। ठीक है, कमी करने का आशय यही था कि अदर कंट्री से जो वो वेपन्स लेता था उसमें उसने कमी की, मतलब खुद आत्मनिर्भर हो गया भारत। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक, इसमें हमें प्राउड फील करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की, तो आप लोगों ने SCO के बारे में सुना होगा, शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके माध्यम से शायद अभी कोई उम्मीद नहीं है, बट 2020 में पब्बी एंटी टेरर, क्या पब्बी एंटी टेरर नाम का एक युद्धाभ्यास होने वाला है, उसमें शायद भारत और पाकिस्तान हिस्सेदारी करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बात की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ बात करेंगे, वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है, लेकिन अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कहां से बन सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये बन सकता है, क्वेड क्या होता है? क्वेड एक संगठन है, इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो 4 हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। ठीक है, इंडो पैसिफिक नाटो किसे कहते हैं? तो चाइना द्वारा क्वेड को इंडो पैसिफिक नाटो कहा गया। एक्चुअल में नाटो क्या होता है? नाटो, NATO, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जो उत्तर अटलांटिक की नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ USA मिलकर एक संगठन का निर्माण करता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन सब पर मैं स्पेशल वीडियो शूट कर चुका हूं। अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले चैप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आई होप कि ये सारा का सारा मैटर आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर प्रीलिम्स में, मेंस में या फिर इंटरव्यू में यहां से प्रश्न बनता है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।